आपकी दोस्त और होस्ट। और फिर आ चुके हैं हम एक बार पेबल्स फूड कार्ट में जायकेदार सफर की ओर, मैं आपको लेके चलती हूँ। आज मैं खड़ी हूँ मीरा रोड कनाकिया में रामदेव पार्क में, जहाँ पे एक बहुत ही चटपटा जायकेदार पाव भाजी का ये खजाना मिला हुआ है, मौली पाव भाजी। ये मौली पाव भाजी जो है ये रामदेव पार्क में है मीरा रोड में, और बहुत ही जायकेदार पाव भाजी बनाते हैं ये। तो चलिए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि पाव भाजी इन्होंने कितने कब से शुरू किया और क्या है यहाँ का रिस्पॉन्स। देख रहे हैं कि अरुण अपने काम में लगे हुए हैं और उनके सारे औजार चालू हैं, उनकी जो ये है कुछ समथिंग पाव भाजी बन रही है। अरुण, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मौली का मतलब क्या है? मौली बोले तो माँ। माँ, ओके, मतलब ये मराठी वर्ड ही है जैसे कि आई। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इसका नाम मौली रखता हूँ? मेन ओनर ने दिया है। ओके, हमारे जो मेन ओनर है, ओके, हमारे सेठ, उन्होंने ये नाम दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हो? ओके, पार्टी ऑर्डर्स, बर्थडे और होम डिलीवरी वगैरह भी करते हैं? बहुत बढ़िया। और इसके अलावा यहाँ पे आप पाव भाजी के अलावा कुछ बनाते हो स्पेशल? पाव भाजी रहेगा, पुलाव रहेगा, खड़ा भाजी, मसाला पाव। खड़िया भाजी मतलब कैसा, क्या होता है खड़े भाजी? ये खड़े भाजी। ओके, और जो पाव भाजी वाला होता है वो पूरा मैश हो जाता होगा, राइट? अच्छा, इसमें खड़ी सब्जियाँ दिख रही हैं, इसलिए ये खड़ा भाजी है। खड़ा भाजी, ठीक है। और क्या बताया आपने, पुलाव भी आप रखते हो? ग्रेट, तो वो भी होम डिलीवरी वगैरह आप सारी चीज़ों की करते हो? सारी चीज़। और अगर जैसे पार्टी ऑर्डर देना हो तो कितने दिन पहले देना होता है आपको? एक दिन पहले बोलो। और आप वहाँ जाते हो या आप सिर्फ डिलीवर कराते हो सामान? अगर 100 जन रहेंगे ना तो वहाँ पे जाके हम आपको बना के देंगे। ग्रेट, अगर उससे कम में रहा तो हम आपको यहाँ से डिलीवर करा देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा मुझे आज आप क्या मतलब चटपटा जायकेदार कुछ चखाने वाले हो यहाँ पे? आप जो बोलो, हमारे यहाँ पे सब स्पेशल है। ये जो है ये खड़ी भाजी बन रहा है ना? खड़ी भाजी आपको टेस्ट करना है। तो ये किससे बनता है ये आप पहले बताओ मुझे, क्या क्या इसमें डालते हो आप? आपको सब चीज दिख रही है। अच्छा, जैसे टमाटर दिख रहा है मुझे, बट मैं बहुत अच्छी शेफ नहीं हूँ, तो फिर भी आप बताओ आपने इसमें क्या क्या डाला हुआ है? मैंने बटाटा डाला है, टमाटर डाला है, बटाना डाला है, शिमला मिर्च डाला है, जीरा डाला है, नमक और पाव भाजी मसाला डाला है, चटनी डाला है और लहसुन डाला है। और ये मतलब दिन भर में आप कितने बना लेते हो ऐसे? 4 बजे से 12 बजे तक? फिर भी कस्टमर्स आते रहते होंगे ना? कभी कभी रहता है तो ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कैसा है। जैसा कि हमने अभी देखा कि अरुण ने बहुत ही मक्खन मार के बिल्कुल ये पाव तैयार किया, और इसके पहले बहुत ही चटपटी सी खड़ी भाजी बनाई है जो यहाँ की स्पेशलिटी है। खड़ी भाजी मतलब कि उसमें सब्जियाँ दिखती हैं जो कि आप पाव भाजी में जनरली मैश हो जाती है, पर यहाँ की एक वैरायटी है जिसमें खड़ी भाजी दिखती है और मक्खन मार के पाव मिलता है। तो मुझको तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, और ऑब्वियसली आना एक बट नेचुरल सी बात है क्योंकि इसका नाम ही है मौली पाव भाजी, जो कि रामदेव पार्क में और पेबल फूड कार्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि हमेशा कहीं चटपटी, कहीं अनोखी जगह खाने की जर्नी में लेके जाता है, और मौली मतलब है माँ, तो माँ के हाथ का पाव भाजी, माँ के हाथ का पुलाव खाने को मिलेगा। तो अपने आप उसकी खुशबू से ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं कब इसको टेस्ट करूँ। अरुण, अब आज मुझे आप बताओ कि आप मुझे क्या बना के खिलाने वाले हो यहाँ का, आपके हाथ का सबसे स्पेशल, यानी माँ के हाथ का, मौली के हाथ। तो आज मैं खाने वाली हूँ पेबल्स फूड कार्ट की कृपा से माँ के हाथ का खाना, दैट इज मसाला पाव, राइट? चलो आज खाते हैं मसाला पाव। ये आपने क्या डाला? जीरा, क्यूमिन सीड, राइट? अरे वाह, तो ये बिना ऑयल के अभी आप ड्राई में ही इसका बनाओगे? बनाने का तरीका, और ये कैप्सिकम। वाह, ये कैप्सिकम डल रहा है अभी इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप हो गया है। आपका हाथ तो बिल्कुल खटाखट खटाखट, 6 साल से कर रहे हो, घर में भी बनाते थे? वाह, बहुत ही सुंदर। ओके, ये बॉइल्ड आलू है ना? बहुत ही अच्छा। तो ये बटाने आप मतलब रात में वो बॉइल किए हुए हैं ना? सीटी, ओके। सॉल्ट, और उसके बाद आपने हरा धनिया डाला, राइट? अरे वाह,
इसमें अभी तक आपने ऑयल नहीं डाला है ना? नहीं, और इसमें बटर है। अरे वाह, जी। और ये इसलिए चुना कि ऑलरेडी आपको ये टेस्ट पसंद था या आपको लगा कि हाँ ये? जहाँ तक बोलूँ तो मुझे सबसे ज्यादा मेरे हाथ का मसाला पाव मुझे अच्छा। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा पसंद? मेरे को तो खुद को, मेरे कस्टमर्स को भी। बहुत अच्छी बात है। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब वो खुशबू ही आ रही है मुझे बहुत अच्छी सी, बहुत ही। अब मैं तो चाहूंगी कि अगर ये बहुत अच्छा है तो सब लोग आए आपके यहाँ और मौली में आके ये आपका मसाला पाव, पाव भाजी, पुलाव सब कुछ टेस्ट करें। ये अभी क्या डाला आपने? अरुण, चटनी का। ओके, ये जो लाल वाली है ना, हाँ, वो ग्रेवी मिर्ची का बना है, कश्मीरी मिर्ची। ओके, और ये व्हाइट लहसुन का। ओके, प्योर लहसुन मसाला डाल। ठीक है, तो मसाले वगैरह आप लोग घर पे ही बनाते हो पाव भाजी के? कि हमारा जो मसाला रहता है वो बॉम्बे से लाते हैं। अच्छा, बॉम्बे से लाते, मुंबई से लाते हो? मुंबई से। इतना सुंदर आ रहा है, अपने आप में वो बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा कुछ बन रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, उसी में पूरा आपने डिप कर दिया, प्रॉपरली कवर कर रहे हो आप उसको पूरी तरीके से। देख रहे हो आप अरुण कितने अच्छे से पूरे पाव को उनने वो मसाले में कोट कर दिया है और कट भी कर दिया है, शायद इसलिए कि वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए उसके अंदर तक, वो उसकी ग्रेवी अंदर चली जाए। देख रहे हो कि अरुण के यहाँ पे मौली पाव भाजी में सब कुछ साफ सुथरा है, ढका हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे, मतलब आप यहाँ पे है, स्ट्रीट साइड है, तो कुछ भी ऐसा खराब भी नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन रखा है अरुण ने अपना किचन। और अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ पेबल्स फूड कार्ट की वजह से बहुत ही यम्मी सा। अरुण, आपने इसका नाम क्या बताया? नाम क्या बताया आपने इसका? मसाला पाव। बहुत ही यम्मी सा लग रहा है, ये फुल ऑफ ग्रेवी है, पाव है इसमें, मैंने तो कभी नहीं खाया है। लेट मी टेस्ट फर्स्ट, देन मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। जैसा कि आप देख रहे हो, मौली पाव भाजी का काउंटर चाहे छोटा हो पर एक्चुअली ये बहुत ही हाइजीन का ध्यान रखते हैं। देखिए, एक एक सब्जी हो, चावल हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, सब नीट एंड क्लीन तरीके से ढका हुआ है, फ्रेश दिख रहा है। और अरुण की एक खासियत है कि वो सब्जियां अपने खुद जाके फ्रेश सब्जियां लेके आते हैं रोज के लिए, ये उन्होंने बताया था मुझे। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, जो कि बड़ी बड़ी जगह पे भी बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना हाइजीन को। तो अगर आप मीरा रोड में हो और या आप मुंबई में हो और सीरियसली बहुत अच्छी पाव भाजी खाना चाहते हो, तो 12 बजे तक इनका काउंटर खुला रहता है। आप आइए और पेट भर के एकदम आप खा सकते हो पाव भाजी, मिसल पाव, पुलाव, जो भी अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हो। उन्होंने एक छोटी सी प्यारी सी जगह बना रखी है बैठने के लिए आप लोगों के। और अब मैं टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा है इसको देख कर। ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही लज्जतदार दिख रहा है। अरुण, सीरियसली बहुत ज़्यादा चटपटा है, बहुत ही टेस्टी है, और ऐसा लग रहा है कि पूरे मुंह में उसका स्वाद घुल चुका है। और अब बस मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, कि बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो नहीं रुक सकती और आप भी मत रुकिए, जहाँ जहाँ बैठे हैं पेबल फूड कार्ट का ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आइए मीरा रोड रामदेव पार्क में और मौली पाव भाजी में आके
जल्दी से ऑर्डर करिए। आइए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं यहाँ अकेली आई थी मौली में पाव भाजी खाने, पर यहाँ पे दो बहुत ही क्यूट सा एक बेबी बैठा हुआ है, गोलू मोलू सा, जो कि पाव भाजी का मजा ले रहा है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? या थैंक यू। आपका नाम? आर्यन। और आर्यन, आपको पाव भाजी मुझे तो लग रहा है बहुत पसंद है, क्योंकि आप भी पाव जैसे गोलू मोलू हो रहे हो। तो आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हो ये टेस्ट करने के लिए? हम लोग का धैंगर ईस्ट में वहाँ पे ना घर है, उसका रेंट लेने के लिए हम लोग अंधेरी से आते हैं। कभी भी आते हैं, इनके पास पाव भाजी खाते हैं। अच्छा, मतलब सालों से आ रहे हो यहाँ पे? तीन साल हो गए। बहुत अच्छे, मतलब जेन्युइन कस्टमर से आज मेरी बात। दो महीने में कभी भी आ जाते हैं, एक महीने में पाव भाजी खा के। और आपका शुभ नाम? सॉरी, मैं राजेश पार्कर। पाव भाजी के टेस्ट के चलते राजेश पार्कर। अच्छा राजेश जी, आप यहाँ पे सिर्फ पाव भाजी खाने आते हो, मतलब रेंट लेने आते हो? खड़ा पाव भाजी स्पेशल है। ओके, इनकी स्पेशलिटी में खड़ा पाव भाजी एकदम बेस्ट है इनकी। ओके, तो वो भी आप हमेशा ऑर्डर करते हो? पाव भाजी प्लस खड़ा पाव भाजी, ये दो वैरायटी ट्राई करते हैं। उसके बाद एक खड़ा पुलाव, सबसे बेस्ट है इनका। रेट्स वगैरह आपको बहुत अच्छे लगते हैं? ऑन योर पॉकेट बजट लगते हैं? पॉकेट बजट के हिसाब से परफेक्ट है। और सफाई वगैरह तो? सफाई में एकदम बेस्ट है। और यहाँ का जो क्लीनिंग जो है यहाँ पे, और जो वो भी बेस्ट है। उतना एरिया जो कवर कर रखा है उन्होंने बहुत अच्छे से साफ, वो तो दिख ही रहा है। हाँ, अरुण भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनको मालूम है कि उन्हें क्या। पहली बार में लोग खाने का जो कवर करके रखा सबसे बेस्ट है, हाइजीनिक नहीं होती है, यहाँ पे डस्ट नहीं उड़ रहा है। और बार बार अरुण क्या करते हैं, एक घंटे में यहाँ पे क्लीन अप करवाते रहते, उसको डस्ट हटाते रहते हैं गाड़ी के ऊपर। मिस्टर पार्कर, और अब आप बताओ कि आप यहाँ पे आते हो तो आप कितनी पाव भाजी खा जाते हो? मुझे तो नहीं पता, मैं कभी गिनता ही नहीं। मतलब इतना पसंद है कि वो तो गिनते ही नहीं। अब आप इसी से जान लो कि एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा कस्टमर बैठा है यहाँ पे जो बोल रहा है मैं तो गिनता ही नहीं, मैं तो बस खाता जाता हूँ यहाँ पे पाव भाजी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। कभी कभार यहाँ पे नहीं खाता। अच्छा, कहीं और खा लेता हूँ। हाँ, फिर मजा नहीं आता होगा, लेकिन सबसे टेस्टी तो यहीं का है। हाँ, मजा तो यहीं पे आता, तभी तो पापा यहाँ लेके आते हैं आपको। जैसा कि मैंने बोला था कि पेबल्स फूड कार्ट का यही है हमेशा से एक रास्ता कि वो ऐसी जगह ले जाते हैं आपको जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। जैसे कि राजेश जी ने बताया कि वो आते हैं डायरेक्ट अंधेरी टू मीरा रोड, सिर्फ यहाँ के स्पेशल खड़ा पाव, खड़ा पुलाव और बहुत ही टेस्टी पाव भाजी खाने के लिए। और उनका ये गोलू गोलू बच्चा है, ये भी उनको बोलता है। आपने बताया था कि पापा मुझे खाने चलना है, तो पापा यहाँ लेके आते हैं आपको। देखिए, जैसे कि यहाँ का बहुत ही कलरफुल सा डिफरेंट मैनर में ये दिख रहा है आपको, डिशेस दिख रही है। वैसे इनका हेयर कट देखिए, सो क्यूट एंड सो डिफरेंट हेयर कट है इसका गोलू मोलू बच्चे का। राजेश जी, आप महीने में कितनी बार आते हो यहाँ पे? महीने में एक बार ही हो जाता है। बहुत अच्छा है। चलिए, अंधेरी से मीरा रोड आना मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ यहाँ के जो फूडीज होते हैं जिनको सीरियसली टेस्ट का नॉलेज होता है, जो कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, वो इतनी दूरी तो आराम से तय कर लेते हैं। इसीलिए आप शायद मौली पाव भाजी में आते हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और तुमसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। छोटू उस्ताद तो बिजी है अपना पाव भाजी खाने में। अरुण के हाथ खटाखट चल रहे हैं क्योंकि नॉनस्टॉप पार्सल्स यहाँ पे आ रहे हैं। लोग यहाँ से पार्सल ऑर्डर करने आते हैं और घर पे जाके मस्त इनकी जो टेस्टी मौली पाव भाजी बनती है, या मौली पुलाव होते हैं, या व्हाटएवर जो भी यहाँ की डिशेज है जो मैं बाद में थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाली हूँ मेन्यू में, वो ऑर्डर करते हैं और घर पे ले जाके अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ खाते हैं। देखिए, आप देख सकते हो कि अरुण ना बस लगे हुए हैं बनाने में, फटाफट सबको सर्व कर रहे हैं बना बना के। अभी क्या बना रहे हो अरुण? तवा पुलाव बना रहे हो? ग्रेट, मतलब ये तवा पे बनता है। अच्छा, तो राइस तो पहले बन जाते होंगे ना इसके? हाँ, तभी तो फिर वो बॉईल करके रखा। अच्छा, ओके। और उसका ये पूरा मसाला देख रहे हैं। हाँ, तवा पुलाव ही रेडी कर रहा हूं। ओके ओके, ग्रेट। तो ये मैंने ग्रेवी डाला। हाँ, बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है, सारे रंग आ गए, ग्रीन ओनियन का, वाइट टमाटो, सब कुछ बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही टेस्ट रिवीलिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जब तक अरुण अपना ये तवा पुलाव रेडी करते हैं, तब तक मैं और भी यहाँ की जो स्पेशलिटी हैं, डिशेज़ हैं, उनके बारे में बताती हूँ। मौली में क्या क्या स्पेशल है, यहाँ पे आप आके क्या क्या ऑर्डर भी कर सकते हो,
और घर पे भी बुला सकते हो। चलिए देखते हैं कि अभी ये क्या यहाँ पे है इनके मेन्यू में। तो आइए देखते हैं मौली पाव भाजी का एकदम चटपटा, एकदम बहुत ही मसालों से भरा, स्वाद से भरा हुआ मेन्यू, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बटर पाव भाजी है, चीज़ पाव भाजी है, पनीर पाव भाजी है, जैन पाव भाजी है। माय गॉड, इतना सारा जैन पनीर पाव भाजी है, जैन भाजी, जैन चीज़ पाव भाजी, बटर तवा पुलाव, पनीर तवा पुलाव, और भी बहुत सारे बटर मसाला पाव है, एक्स्ट्रा पाव्स भी मिलते हैं यहाँ पे, बटर भी मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये सबसे अच्छा अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, अमूल का बटर यूज़ करते हैं, उसके अलावा ये कोई और बटर नहीं यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अरुण की और मौली पाव भाजी की। यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी भी है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो आराम से। हाँ, बस उसका ध्यान रखना कि मिनिमम 100 रुपीज़ का ऑर्डर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने बोला था जब तक मैं मेन्यू बता रही हूँ तब तक अरुण ने यहाँ पर अपनी सीक्रेट वाली तवा पुलाव की ग्रेवी रेडी कर ली है। तो अब इसमें आप क्या डालने वाले हो अरुण? मैंने राइस। अच्छा, ये बॉइल्ड राइस है जो ऑलरेडी इन्होंने लाए हुए हैं। और इसमें क्या आपने हल्दी डाला हुआ है ये येलो करने के लिए? बहुत ही अच्छी बात है, टर्मेरिक वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। ये देखिए कितनी कलाकारी से इनका ये जो है ये सब मस्त मिक्स कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है देख के, जैसे एक रंगोली सी बन रही है तवा पे, बहुत ही खूबसूरत। अरुण, कितना टाइम लगता है आपको और ये कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं अगर ये आपने जो क्वांटिटी ली है? ये क्वांटिटी मेरा 1.5 पुलाव का। अच्छा, 1.5 पुलाव का। ये भी आप होम डिलीवरी करते हो? इसकी भी करते हो? जितने आइटम्स हैं सब होम डिलीवरी। बहुत ही शानदार बन के आया है अरुण की रसोई से, यानी मौली पाव भाजी की रसोई से, बहुत ही शानदार। अच्छा, आप इसको और कांदे के साथ सर्व करते हो? बहुत सुंदर। चलिए मैं ये लेके चलती हूँ पेबल्स फूड कार्ट के साथ में, और इसे मैं आप खाने वाली हूँ, जिसमें से बहुत ही प्यारा सा वो धुआं, जो मसालों की खुशबू होती है, वो सब कुछ मेरे बराबर नेजल्स में कह रही है कि बस अब तो खाओ मुझे और तृप्त दो। तो मैं पहले टेस्ट करती हूँ। गर्म है पर बहुत टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये है तवा पुलाव जिसमें बहुत ही लेस ऑयल यूज़ हुआ है। हाँ, अमूल का बटर यूज़ हुआ है और राइस भी प्रॉपर एकदम मेल्ट हो रहे हैं, प्रॉपर बॉइल्ड हैं, ऐसा नहीं है कि कच्चे लग रहे हो। बहुत ही टेस्टी है सब कुछ, मसाले एकदम डिफरेंट है, पुलाव कह सकते हैं पर पुलाव के मसाले से बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही लजीजदार है, बहुत टेस्टी है। मैं बार बार कहूँगी पेबल्स फूड यही चाहता है कि जो भी इसके व्यूअर्स हैं वो आएँ और डिफरेंट डिफरेंट फूड्स का मज़ा ले सकें। तो मैंने आज आपको रूबरू कराया मौली पाव भाजी से, जो कि रामदेव पार्क में मीरा रोड में है। सबसे कहूँगी बिल्कुल भी खाली पेट अगर आप लेट आ रहे हो, सोने की ज़रूरत नहीं है, 12 बजे तक खुला रहता है इनका काउंटर, आप ऑर्डर भी कर सकते हो। आप आइए या तो फिर घर लेके जाइए पार्सल, बहुत ही टेस्टी है मौली पाव भाजी। थैंक यू अरुण, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आज आपको लेके आई पेबल्स फूड कार्ट के मौली पाव भाजी के सफ़र में, जहाँ पे बहुत ही टेस्टी मैंने तवा पुलाव खाया और मसाला पाव खाया, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, पर मेरे पास वक्त कम है। मैं ज़रूर पार्सल करा के ले जाऊँगी अपने घर, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है यहाँ का स्वाद। और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया पेबल्स फूड कार्ट का, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।